सरिता। बांसुरी के स्वर वितान, लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने। सभी संगीत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है संगीत सरिता में। हमारे साथ हैं जाने माने बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार जी। पंडित जी, कोई भी कलाकार जब अपनी कला में पूरी तरह डूब जाता है, उसकी साधना में तल्लीन हो जाता है, तो उसे बड़ा दिव्य अनुभव होता है जी। और वैसे भी मोक्ष प्राप्ति के लिए कला की साधना को भी एक साधन माना गया है। सबसे आसान और पहला रास्ता है संगीत भगवान को पाने का। आपको भी कभी इस दिव्यत्व की अनुभूति हुई हो किसी कार्यक्रम के दौरान? किसी कई बार ऐसा प्रतीत हुआ कि वो आ गए। जयपुर में हुआ, म्यूजिक इन द पार्क में, एक सेकंड के लिए लगा कि वो आ गए। अब उस पल में मेरे आंख में भी आंसू, तबला जो बजा रहे हैं मेरे साथ उनके भी आंख में आंसू, लोगों के आंख में भी आंसू। और वो स्वर से परे एक होता है कनेक्टिविटी, एक मन एक आत्मा। एक मेरी कविता की लाइन है कि तू अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। क्या बात, माँ तो व्याकुल है दूध देने को, दरअसल तू ही रो नहीं सकता। आह आह आह। तो ये बात कलाकारों को जब तक समझ में नहीं आता, तो उसकी साधना में वो कशिश, वो दर्द, वो पवित्रता नहीं आती। एक बार जैसे कि एक घटना, बांके बिहारी जी हरदम मेरे इष्ट देव हैं, और वैसे तो वो सामने हैं मगर बिहारी जी के मंदिर का एक बहुत महत्व है जी। और जैसे हम लोग बोलते हैं सिद्ध मंदिर या जो भी सिद्ध मूर्ति, और आकार निराकार तो वही हैं। खैर साहब, तो मैं वल्लभाचार्य जी मुझे बजाने के लिए बुलाए मथुरा में, और मैं दोपहर हो गया पहुँचते पहुँचते, तो कलाकार थोड़ा सा आराम तो करता ही है प्रोग्राम से पहले, तभी जाके वो एनर्जी वो ताकत रहता है। मगर मैंने सोचा कि आज दर्शन नहीं होगा तो कल सुबह फिर फ्लाइट होगी, ऐसा करके मैंने आराम को त्यागने का निश्चय किया। और हम लोग वहीं से, कोई गाड़ी भी नहीं थी क्योंकि उनका फ़ोन लग नहीं रहा था, हम लोग अपना जो साइकिल रिक्शा जो होता है, जो बहुत धीरे चलता है, उसको लेके बहुत जल्दी से वृंदावन पहुंचे। और इस जल्दीबाजी में बांसुरी ले जाना भूल गए, और बिहारी जी के जब मंदिर पहुंचे तो आंख में आंसू आ गया कि आज आपको सुना नहीं पाएंगे। तभी एक बांसुरी बेचने वाला दिखा, जो खिलौने की तरह, जो 10-15 रुपए में ऐसे ही बच्चों को सीधी वाली बांसुरी, थोड़ी आड़ी भी रहती है बांसुरी, उसके पास मुरली भी, यू नो। तो मैंने जट से अपना पर्स निकाला और दो बांसुरी उससे खरीदा, और मैं और मेरा शिष्य कल्पेश, हम दोनों ने वहीं चबूतरे पे बैठ के हाजिरी भरना शुरू किया। बिहारी जी सुन रहे थे जरूर कि मेरा भक्त आ गया, और पहले बजाया फिर अंदर गए। तो ये घटना, जब रात को वल्लभाचार्य जी सामने बैठे थे, वो तो गद्दी के मालिक हैं, उनकी आंख में भी आंसू आ गया, बोले आप बहुत भाग्यवान हैं। और आते आते प्रोग्राम का समय हो गया, और ऐसा प्रोग्राम मैंने शुद्ध बसंत कभी स्टेज में नहीं बजाया था, उस दिन शुद्ध बसंत मैंने बजाया। वो कहाँ से तालीम आई, क्या हुआ, वो बिहारी जी जाने। हम तो नॉर्मल बसंत बजाते हैं, जो पॉपुलर बसंत, शुद्ध बसंत बहुत मुश्किल राग है उसको निभाना। और जैसे ही उन्होंने फरमाइश की, नीचे से मैं एक सेकंड के लिए आंख बंद किया और बिहारी जी ने बजवाया। तो इन्हीं यादों में डूबते हुए आज हम चर्चा करेंगे देसी की। वाह, आज आप ऐसे ऐसे राग पूछ रहे हैं जो राग रेयर ना होते हुए भी रेयर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग गाना उसको गाना बजाना कम कर रहे हैं। देसी बड़ा मुश्किल राग है जी। पंडित आमिर खान साहब बड़ा सुंदर गाते थे, पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले जो बहुत संत गायक थे, उनका फेवरेट राग। इस राग में एक बहुत रेयर चीज आज आपको बता रहा हूँ पंडित जी। न केवल ये राग रेयर है, आपने जैसा कहा, एक विशेष बात है असल में, वो आपके व्यक्तित्व की खासियत है कि आप एक शास्त्रीय बांसुरी वादक के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी है। पंडित जयपुर वाले जी के आप शिष्य हैं जी, तो आपका ये गायक रूप भी हमें देखने को मिले, सुनने को मिले, कितना अच्छा हो। अवश्य, और इसके बोल भी इतने सुंदर हैं जी, जो पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले जी के ही लिखे हुए, तो वो मैं गा के भी सुनाऊंगा वादन के दौरान। स्वागत है, प्रस्तुत है राग देसी। Thank you.
बसे मोरे मीता पिया हो मोरे मीता पिया कब तेरे मा बदा बा मा बदा बदा मा बरे गजारे निसका बा दा मा बदा रे जाने जा पदा मा बा तो मा बदा मा बा रे गरे जाने जा रे मा बदा मा बदा तो मा बरे गरे जाने जा रे जा को बना हदे जा बसे बांसुरी वादन के साथ साथ बांसुरी में सुर फूंकने वाले यानी प्राण फूंकने वाले स्वर भी आज सुनने को मिले। पंडित जी बहुत धन्यवाद आपका। और अपने श्रोताओं को इस कड़ी के अंत में सुनवाते हैं राग देसी पर आधारित फिल्म बैजू बावरा का गाना, जो पंडित डीवी पुलुस्कर और उस्ताद आमिर खान साहब की आवाजों में। वो तो भूतो न भविष्यति। जी जी, ये संत कलाकार लोग इस धरती पे आए थे, भगवान के रूप थे। ये संगीत रचना नौशाद साहब की है। जी आइए सुनते हैं।
में हो झूम गए आज गावत में आज गावत में बांसुरी के स्वरवेतान आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार थे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।